आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। मॉडल सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल को पूरा करने में मदद कैसे करता है सो so, अब हम देखेंगे इसका आंसर सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द Official channels of communication. So, informal communication takes place outside the official channels of communication. So ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स के बाहर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है सो इट फिल्स द गैप्स डेट माइट एग्जिस्ट इन दमल कम्युनिकेशन सो इट फिल्स द गैप डेट माइट एग्जिस्ट इन फॉर्मल कम्युनिकेशन सो जो गैप्स फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ सकते हैं उनको क्या करता है उनको पूरा करने का काम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करता है सो मेरिट ऑफ मेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस आर तो so, अब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के उन एडवांटेजेस को देखेंगे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल को पूरा करने में मदद करते हैं सो so, पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स द मेंबर्स टू डिस्कस The matters which cannot be discussed at the official. लेबल्स। सो so, पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स द मेंबर्स टू डिस्कस द मैटर्स विच कैन नॉट बी डिस्कस एट द ऑफिशियल सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है उनकी मदद करता है उन मैटर्स को डिस्कस करने में जिन मैटर्स को क्या कर सकते हैं, जिन मैटर्स को हम ऑफिशियल लेवल पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की मदद से उन मैटर्स को क्या कर सकते हैं हम डिस्कस कर सकते हैं सो so, यह है पहला एडवांटेज दूसरा एडवांटेज है इट इज अ बे ऑफ नोइंग द रिएक्शंस And opinions of the people about a change. So इट इज अ वे ऑफ नोइंग रिएक्शन एंड ओपिनियंस ऑफ दीपल अबाउट सो ये क्या ये वो तरीका है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते जिसके द्वारा हम लोगों के रिएक्शन को जान सकते हैं और साथ ही साथ उनके जो राय है वो भी जान सकते हैं किस मैटर पे जो भी चेंजेज ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उन मैटर पे सो so, ये है यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा एडवांटेज नाउ थर्ड एडवांटेज सो तीसरा एडवांटेज है इट हेल्प इन बिल्डिंग टीम स्प्रेड सो इट हेल्प इन बिल्डिंग टीम स्प्रेड सो ये टीम भावना को क्या करता है टीम भावना को बिल्ड करने में मदद करता है सो so, ये है कम्युनिकेशन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसका तीसरा एडवांटेज नाउ फोर्थ एडवांटेज सो फोर्थ एडवांटेज है द इंफॉर्मेशन फ्लोस एट आ फास्टर स्पीड सो यहाँ पे जो चौथा एडवांटेज है वो है द इंफॉर्मेशन फ्लोज एट अ फास्टर स्पीड सो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन फ्लो करती है इन्फॉर्मेशन जो बहती है वो है उसकी क्या उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है सो so, So, जो भी कमियां फॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल में होती हैं उन सारी कमियों को क्या करता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पूरा करता है सो so, जब ये एडवांटेजेस फॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं तो जो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल को की जो जरूरत होती है उसको क्या कर देता है उसको पूरा कर देता है सो so, इस तरीके से जो फॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल में अगर हम क्या कर दे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एड कर दे तो ये क्या कर देता है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल को पूरा कर देता है सो so, इस तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल को पूरा कर रहा है सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर